मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि उन कार्यों को काट कर देखे, उसका क्रिटिसिज्म करके देखे, बात रखनी पड़ती है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं कि विपक्ष के वे तमाम दल जो आज के समय में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें बस एक सवाल करना है कि आपने युवाओं के लिए क्या किया? What you did for the youths of Bihar? आपने क्या किया? आप इन बातों को आप पहले स्पष्ट कर दें। आपने अपने 15 साल के शासनकाल में न तो शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया, न युवाओं के सामने अनेकों संभावनाएं खड़ी की, और इसका ही असर है कि हमारे मेहनत कश भाई बहनों को, बिहारियों को बाहर में प्रवासी शब्द सुनना पड़ता है। यह साजिश किनके शासनकाल में हुई इनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अब युवाओं के सामने संभावना के द्वार खोले हैं। युवाओं को अपने पसंद का रोजगार करने के लिए सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। आज के समय में अगर एक गरीब परिवार के बच्चे भी अपनी कंपनी खोलने का आइडिया रखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान किया, उम्मीदों को पंख लगाने का कार्य बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 ने किया। अब इस योजना की जरूरत क्या थी? विदित है बिहार में सरकार युवाओं के सामने रोजगार के अवसरों को खोलने का प्रयास कर रही है। सभी प्रतिभावान युवाओं को अपने पसंद का रोजगार करने का मौका मिले, इसके लिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 लागू किया गया। युवाओं को अब सरकारी नौकरी के साथ साथ अपने मन के हिसाब से रोजगार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में उनके लिए सरकार ने अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया।